दोस्तों, आधार कार्ड हमारी लाइफ का कितना अहम हिस्सा हो गया है ना। मतलब देखिए, अगर स्कूल में एडमिशन कराना हो बच्चों का, या फिर प्रॉपर्टी खरीदनी हो, या फिर किसी भी तरह का काम हो, हमें आधार कार्ड की नीड पड़ती है। लेकिन अब अगर हमारा आधार कार्ड गुम हो जाए तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि हम ये आधार डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन उसके लिए भी इनरोलमेंट आईडी और आधार नंबर चाहिए होता है, जो अगर आपको याद नहीं रहा तो आपको दिक्कत हो सकती है। अब देखिए, इस सिचुएशन में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आप मेरी वीडियो में बने तो मैं आपको बताऊंगी आखिर आपको क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट में इन करना है, और उसके बाद आपको आधार प्राप्त करें के ऑप्शन में क्लिक करना है, और उसके बाद ई आधार डाउनलोड के ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ कई ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आपको रिट्रीव आईडी के ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी और एंड में सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको आपके मोबाइल नंबर यानी कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आप मैसेज आ जाएगा। उस मैसेज में OTP होगा, साथ ही साथ इनरोलमेंट आईडी या फिर आधार नंबर आपके मैसेज में आ जाएगा। तो है ना कितना आसान तरीका। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए।